राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, भगवान शिव जी की पार्थिव लिंग बना करके चाहे मिट्टी से अथवा मुल्तानी मिट्टी से जो भाई बहन पूजा करते हैं, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि गुरु जी उनका विसर्जन कब करना चाहिए। कई लोगों ने पूछा कि गुरु जी गंगा जी मेरे यहाँ से दूर हैं, तो हम हर सोमवार को जाना मेरे लिए कठिन है। अथवा कई बहनों ने पूछा कि गुरु जी शाम को हम पूजा के बाद विसर्जन कर सकते हैं क्या। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न ये भी आया है कि उन्हीं शिव जी की हम चारों सोमवार पूजा करके और बाद में विसर्जन करें। तो मेरे भाई बहन, पहली बात तो यह है कि पार्थिव शिवलिंग जी की स्थापना और पूजन हम स्वयं कैसे करें, उसका पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं। इसमें लगभग सभी जानकारी रखने का प्रयास किया है। शिव पार्थिव स्वरूप में जो पार्थिव बना करके पूजा किया जाता है, तत्काल जो है उनका विसर्जन कर देना चाहिए पूजा होने के पश्चात में। जैसे कि प्रातः पूजा किया आपने और उनको निर्माण के पहले आप पूजा की पूरी तैयारी करके बैठे, सारा सामग्री इकट्ठा करके एकत्रित करके माल्य पंचामृत भी अर्पण करना तो भी बना के सब तैयारी करके बाद में फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। निर्माण करके हाथ धो के आसन पर बैठ करके उनका विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद में आप अगर जप करने की आपकी इच्छा है तो उन्हीं के सामने बैठ करके 1, 3, 11 जितना भी देर जप करना है जप किया। बाद में फलाहार इत्यादि का भोग लगाना है तो भोग लगा दिया। अगर भोग नहीं लगाना है तो एक छोटी सी आरती करके परिक्रमा, आधी परिक्रमा शिव लिंग की होती है, आधी परिक्रमा करके प्रणाम करके जयकारा करके और मंत्रों के द्वारा चावल छोड़ करके प्रभु आप जहां से आए वहां जाइए, जब फिर बुलाऊंगा अथवा बुलाऊंगी तब फिर आइएगा, ऐसा उनको मंत्र से विसर्जन कर देना चाहिए। यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, इन मंत्रों को सुन करके उसके पश्चात में आप जो है उनको उठा करके वहां से उठा करके अगर आसपास कोई तालाब है नदी है तो वहां प्रवाहित कर दिया। अथवा वैसी व्यवस्था नहीं है तो एक कोई अच्छा सा बड़ा सा एक प्लांट रखिए, अथवा आपके यहाँ जगह है तो 3-4 गमले रख लीजिए। उन गमलों में अलग अलग जो है जो वो स्वरूप में विराजमान है शिव जी, तो उनका बेलपत्र इत्यादि सब निकाल करके उस गमले में ही जो है उनको प्रवाहित विसर्जित कर दें। अगर आसपास कोई स्वच्छ जगह साफ जगह है तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो गमले में रखकर बाद में उसमें कोई ना कोई वृक्ष लगा सकते हैं। अगर 4-5 गमला रखने की जगह नहीं है तो एक बड़ा गमला ले लीजिए, उसी गमले में बाकी उनको सफाई करके केवल जो है उनका स्वरूप उसमें डाल दीजिए। बाकी जो फूल पत्ती इत्यादि है बेलपत्र तो ऐसे भी धो करके प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं और बाकी जो सामग्री साफ जगह कहीं विसर्जित कर दीजिए। अथवा जिनके यहाँ गंगा जी यमुना जी अथवा नर्मदा माता जी हैं, वो जैसा कि एक ने पूछा भी था कि लास्ट में चारों सोमवार के बाद विसर्जन करना चाहते हैं तो उनको भी एक बाल्टी अलग से रख लीजिए, उसी बाल्टी में सब कुछ निकाल करके ताकि उसमें गंदगी ना आए उनका स्वरूप को उसमें रख दीजिए और बाद में जब चारों सोमवार हो जाए तो उनको ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। परंतु एक बार पूजा कर लिया तो उन्हीं का दोबारा बार बार पूजा नहीं होती है। जैसे कि मिट्टी का पात्र होता है एक बार स्वर्ण के बराबर होता है, स्वर्ण पात्र के बराबर होता है, एक बार आपने चाय पिया दूध पिया तो जय जय सियाराम हो जाता है। ऐसे मिट्टी स्वरूप जो पार्थिव स्वरूप भगवान शिवलिंग की पूजा की जाती है उनका जो है तत्काल विसर्जन कर देना चाहिए। निर्माण करते ही उनको ओम शिवाय नमः शिवम आवाहयामि स्थापयामि, दो दाना धुला हुआ चावल उनको चिपका दिया जाता है। नहीं तो जो है देवगण ले जाकर के उनकी पूजा, स्पेशली इंद्र भगवान जो है देवाधिदेव महादेव की पूजा कर लेते हैं। तो मन में कोई दुविधा मत रखिए। अब ये है कि सुबह भी किया है शाम को भी उनकी पूजा करनी है, तो पूजा करनी तो वहां सफाई स्वच्छता हर चीज बहुत आवश्यक है। तो जो शास्त्रों का आदेश है कि तत्काल विसर्जन करना चाहिए वही करना उत्तम है। शिव लिंग जो बनाएंगे उनके पीछे एक शिव जी का फोटो रख लीजिए,
फोटो में टीका इत्याद कर दीजिए, तो शाम को आपको आरती करने की इच्छा है तो शाम को जो है उस केवल फोटो का ही आरती कर लीजिए। अथवा किसी भी आपकी भक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है वहां रखना चाहते हैं तो वहां पर पूजा के पश्चात फिर एक अखंड दिया जलते रहना चाहिए, फिर बीच में भोग लगाना चाहिए, फिर शाम को 4 बजे जल का भोग लगाना चाहिए, फिर शाम को उनके ऊपर थोड़ा सा जल और इसके बाद में चंदन पुष्प इत्यादि दोबारा उनका उत्तर पूजन करके फिर आरती करके फिर जो भी भोग घर में बना है भोग लगा करके दोबारा अति भक्ति हमारी प्रबल है तो विसर्जन कर सकते हैं। पर क्या है कि मिट्टी के बने हैं, कई बार कोई जानवर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, गिर गए, टूट गए, फूट गए, या वो काफी गीले हो जाते हैं, गिर जाएंगे तो फिर वो खंडित होने का दोष लगता है। संभवतः इसीलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि पूजा के पश्चात तुरंत उनका विसर्जन कर देना चाहिए, निर्माण के बाद में तत्काल पूजा करना चाहिए और पूजन के पश्चात तत्काल विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन की विधि जैसा कि मैंने बताया कि अगर नदी तालाब या पवित्र स्थान कोई नहीं है तो एक गमले में उनको रख सकते हैं, और अगर एक साथ में लास्ट में ले जाना है तो एक बाल्टी, नया बाल्टी अथवा नया बाल्टी ही ले लीजिए या टब ले लीजिए, उसी में उनको रखते जाइए, लेकिन साफ सुथरा करके चावल इत्यादि निकाल करके ताकि बदबू ना आने लगे, हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं विखंडित ना हो, शिव जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें कहीं कोई कमी ना हो। तो मेरे भाई बहन इस बात को ध्यान रखिए, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। इसके साथ में ही अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति जो है इस बार भी जो है भगवान शिव जी का सामूहिक रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की जा रही है, आगे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, देखिएगा उसमें अवश्य अपना योगदान दीजिए, और चाहेंगे तो अपने लिए स्पेशल भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।